एंड ट्रांसलेट दम इन टू योर मदर टंग उसके बाद जो है हमें उन स्टेटमेंट्स को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से करके दिया है जिसमें से पहला स्टेटमेंट है कि वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा कि हमें कुछ ऐसा करना ही होगा कि उन्हें यानी मिसिस देसाई को हम पर फख्र महसूस हो वो हम पर अभिमान करें हम पर गर्व करें हम पर नाज करें यानी हम पर प्राउड फील करें ओके उसके बाद में है बी वी विल मेक इट पॉसिबल हम इसे मुमकिन कर दिखाएंगे ओके स्टेटमेंट नंबर सी है कि सी व्हाट आई मीन मेरा क्या मकसद है इस पर तो दीजिए इस पर ध्यान तो दीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है दिस विल नाट डू ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा ई uh, है कि समथिंग इज़ एट वर्क इन दिस क्लास आई एम श्योर मिसेस देसाई ने कहा था ये कि मुझे पूरा यकीन है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स किसी ख़ास काम में मसरूफ हैं उसके बाद है कि शी वॉज ऑल स्माइल्स यानी मिसेस देसाई के बारे में कहा गया था ये कि वो बहुत ही खुश थी उस वक्त मिसेस देसाई वाकई में बहुत ज़्यादा खुश थीं उसके बाद में स्टेटमेंट जी है हमारे पास कि मैनी ऑफ डिड डू वेल में से ज़्यादातर ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी यानी हम में से ज़्यादातर ने बहुत अच्छा करके दिखाया था उस यूनिट टेस्ट में उसके बाद आई द होल क्लास डाउन ये स्टेटमेंट नैना ने कहा था नैना ने कहा था कि मैंने तमाम क्लास की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है यानी मैंने पूरी क्लास का सर शर्म से नीचा कर दिया है उसके बाद में है दैट्स क्वाइट लीप ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है स्टूडेंट्स नाउ वी द क्वेश्चन नंबर टू दैट राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स हमको कम से कम तीन डायलॉग्स जो हैं वो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं जिसमें से पहला वाला हमने यहाँ पर करके दिया है कि अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर स्टडीज दो दोस्त आपस में अपनी स्टडीज को लेकर बात कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर करके कर दिया है अ डायलॉग अबाउट स्टडीज ओके जिसमें से दो स्टूडेंट्स हैं एक है अमन और दूसरा है मोहन अमन कहता है कि हे मोहन व्हाट्सऐप हे मोहन क्या हो रहा है तो मोहन कहता है कि नथिंग कुछ नहीं यार ओनली मेमोराइजिंग आंसर्स बाय हार्ट सिर्फ आंसर्स जो है वो मैं रट रहा हूँ अमन कहता है विच hmm, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है ये किस सब्जेक्ट के तुम आंसर्स रट रहे हो मोहन कहता है कि इट्स सोशियोलॉजी ये सोशियोलॉजी है इट इज सो डिफिकल्ट टू कीप सच लेंथी आंसर्स इन माई माइंड इन माइंड मोहन कहता है कि इस तरह के लंबे लंबे आंसर जो सोशोलॉजी में होते हैं उन्हें दिमाग में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सो आई एम डूइंग द रोट मेमोराइजेशन इसलिए मैं उन जवाब को उन आंसर्स को रट रहा हूँ अमन राइट yes, right. अमन मोहन से कहता है कि हाँ मोहन तुम बिल्कुल सही कहते हो आंसर्स आर सो लेंदी आंसर सोशियोलॉजी के बड़े ही लेंदे किस्म के होते हैं बड़े होते हैं लंबे होते हैं बट आई है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशुरा है, है तो मोहन कहता, कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा क्या मशुरा है ऐसा क्या सजेशन है तो अमन कहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट अमन कहता है कि तुम्हें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी होगी इफ़ यू हैव बेसिक कंसेप्ट यू विल नॉट हैव टू डू लेबर वर्क अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो तुम्हें लेबर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो जो रट रहे हो ये एक लेबर वर्क ही है आ लेबर वर्क ऑलवेज मेक्स द थिंग्स डिफिकल्ट एक लेबर वर्क जो होता है बिना सोचे समझे कोई काम किया जाना ये जो हमेशा मुश्किलें ही पैदा करता है तो मोहन कहता है कि यू आर एब्सोल्यूटली राइट अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अमन कहता है यस सोशोलॉजी इज क्वाइट एंड ईजी सब्जेक्ट अमन कहता है कि हां सोशोलॉजी जो है वो एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है सिंसियर फोकसिंग एंड लर्निंग विल मेक इट इंटरेस्टिंग अगर तुम सिंसियरली उस पर फोकस करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो उसको लर्न करते हो सीखते हो इट विल भी इंटरेस्टिंग वो तुम्हारे लिए दिलचस्प हो जाएगा तुमको मजा आने लगेगा इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट विल बी मीनिंगफुल अगर तुम तो मुझे समझ जाते हो तो वो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होगा यूजफुल होगा जो तुम्हारे लिए कारामद होगा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए मददगार होगा एंड ईजी टू लर्न और तुम्हारे सीखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी तो मोहन सब कुछ समझ जाता है मोहन कहता है कि थैंक यू माय डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यू हैव क्लियर ऑल ऑफ माय कन्फ्यूजन तुमने मेरे सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए दूर कर दिए तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं मे गॉड ब्लेस यू खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द इंटायर कॉन्वर्सेशन नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर थ्री दैट वॉट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर योर सेल्फ एंड योर क्लास कौन कौन से रूल्स जो हैं वो आप खुद के लिए और अपनी क्लास के लिए बनाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है कि रूल्स फॉर माई सेल्फ रूल्स मेरे लिए मेरे लिए क्या रूल्स मैं बनाऊंगा कि आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह सवेरे उठना ही है आई मस्ट गो टू द ग्राउंड फॉर रनिंग मुझे ग्राउंड पर जाकर रनिंग करनी ही है आई मस्ट गेट रेडी फॉर स्कूल ऑन टाइम मुझे स्कूल के वक्त पर तैयार रहना है स्कूल जाने से पहले मुझे मुकम्मल तरीके से तैयार रहना है आई मस्ट स्टडी रेगुलरली मुझे स्टडी रेगुलरली करनी है एंड कम्प्लीट होमवर्क्स। और मुझे अपने होमवर्क कम्प्लीट रखने हैं आई मस्ट रेस्पेक्ट मुझे रेस्पेक्ट करनी है मुझे इज्जत करनी है एंड ओबे मुझे कहना मानना है माई पेरेंट्स ऑफ माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट का यानी मेरे वालदेन का मुझे कहना मानना है और उनके उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आना है टीचर्स के साथ मुझे बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करना है उनका भी कहना मानना है और उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली पेश आना है एंड ऑल द एल्डर्स और मुझे हर एक मुझसे उम्र में बड़े इंसान की इज़्ज़त करनी है ओके okay? रूल्स फॉर माई क्लास मेरी क्लास के लिए मैं क्या रूल बनाना पसंद करूँगा क्या उसूल मैं तय करूँगा इसमें से पहला है कि ऑलवेज बी ऑन टाइम कि भाई आप जो है बिल्कुल वक्त पर आएँ यानी स्कूल में लेट ना हो बी वेल ड्रेसड इन इन कम्प्लीट यूनिफॉर्म आपको जो है कम्प्लीट यूनिफॉर्म में आना है ठीक है आपके स्कूल का जो भी यूनिफॉर्म है वो आपको पहन कर आना है कीप योर क्लास रूम क्लीन एंड टाइड अपने क्लास रूम को हमेशा क्लीन एंड टाइट यानी साफ़ सुथरा रखना है बी अटेंटिव वाय लर्निंग और पढ़ते वक्त समझते वक्त पीरियड के दौरान आपको जो एकदम अटेंटिव रहना है यानी पूरी तवज्जा देनी है बिहेव पोलाइटली आपको जो है वो पोलाइटली बिहेव करना है अच्छा बर्ताव अच्छा सलूक करना है रेस्पेक्ट एवरी वन हर एक का रेस्पेक्ट करना है हर एक के साथ इज्जत वाला बर्ताव करना है क्लास और आपको क्लास में एबसेंट नहीं रहना है नाउ कार्ड फॉर योर फ्रेंड विशिंग हिम और हर द बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट इन एंड एग्जाम अपने दोस्त के लिए आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट कार्ड प्रिपेयर करके देना था उसके एग्जाम के लिए तो हमने यहाँ पर वो कार्ड प्रिपेयर करके दिया हुआ है आप चाहें तो अपने दोस्त वगैरह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर फाइव एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट फाइंड एंड राइट थ्री एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेज फ्रॉम द स्टोरी हमें अपनी स्टोरी से ही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस को बिलोंग करने वाली एग्जाम्पल्स हमें पिकअप करनी थी जो कि हमने यहाँ पर ली हुई हैं अब देख सकते हैं कि पास्ट टेंस के लिए हमने लिया है कि वी ऑल लाइक हर वेरी मच हम अपनी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ठीक है यानी पास्ट टेंस वी वेटेड हमने इंतज़ार किया आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद एंड टॉक्ड और बात की अबाउट इट हमारे मनसूबे के मुतालिक जो हमने बात की ये जो एग्जाम्पल है ये पास टेंस की है उस तरीके से टीचर वेन टू हर टीचर उसके पास गई यानी नैना के पास गई एंड हकड हर और उसे गले से लगा लिया ठीक है ये भी पास्ट टेंस की एग्जाम्पल है उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट टेंस ठीक है तो प्रेजेंट टेंस के लिए पहला सेंटेंस है बट दिस इज रियली वेरी सैड लेकिन ये बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाला है या दुखी कर देने वाली बात है ठीक है तो है इट मीन्स प्रेजेंटेंस तरीके से यू पीपल आर रियली अमेजिंग तुम लोग जो है वो बहुत ही अमेजिंग हो ठीक है तो ये प्रेजेंट है वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास हम पूरी क्लास के तौर पर पनिशमेंट लेते हैं यानी हमारी पूरी क्लास जो है वो एक साथ पनिशमेंट के लिए तैयार रहती है ओके उसके बाद में फ्यूचर टेंस नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट ये यंग लेडी हमें बताएंगी कि इस काम को किस तरीके से करना है वगैरह वी विल मेक इट पॉसिबल हम इसे पॉसिबल बनाएंगे तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो इन टेंसेस को बिलोंग करती हैं उम्मीद है कि आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ